हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ख़ास मीठा। जैसे कि आपने मेरे जो सूजी के हलवे को इतना भर भर के प्यार दिया है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशली मीठा बनाया जाए जिसमें कम मेहनत हो लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो आज जो हम बनाने वाले हैं उसको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे बनने में, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सारे घर में अवेलेबल होते हैं, तो जल्दी से ये बनने वाली है। इस वजह से मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसको ट्राई ज़रूर करना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे, 1-2 चम्मच। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग घी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें हम सबसे पहले हमको ड्राई फ्रूट रोस्ट करना है। तो अच्छे से अगर हम घी में उनको फ्राई कर लेते हैं तो उनका टेस्ट और बढ़ जाता है, वो एकदम से क्रिस्पी रहते हैं, अंदर जाने के बाद सॉफ्ट नहीं होते हैं। इस वजह से इनको फ्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बादाम और ड्राई फ्रूट भी आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम लिए और उसको थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है, आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा और बादाम हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी घी के अंदर। गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद हम काजू डालेंगे, काजू को मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, और उसके बाद फटाफट से डाल देंगे किशमिश। किशमिश भी घी में जाते से अच्छे से फूल जाएगी और इनका सबकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो बस इनको साइड में निकाल लेना है अभी, और बाद में हम इनको आगे यूज़ करेंगे। बस घी इसमें बचा हुआ है, आप चाहें तो इसी घी में इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ ताकि और ये टेस्टी बन जाए। तो बस घी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको एक छोटी कटोरी भर के सेवैयाँ लेनी है। सेवैयाँ हमारे सबके घर में इजीली मिल ही जाती है, अगर नहीं भी है तो मार्केट में आपको आसपास इजीली मिल जाएगी। बस इनको अच्छे से इसमें डाल लेना है, मिक्स कर लेना है, और हल्का सा इसको आपको लाइट ब्राउन करना है, मतलब कि आपको इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो बस 2 मिनट लगे हैं और सेवैयाँ जो है ना ब्राउन हो गई हैं। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, बस, और ज़्यादा कुछ भी इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं लगेंगे। सिंपली 1 ग्लास में इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा रनी रखना चाहते हैं, एकदम मतलब जैसा खीर के जैसा बनाना चाहते हैं, तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा थिक चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास दूध जो इसमें ऐड किया है। अब इसमें से अच्छा सा एक बॉयल आने देंगे, मतलब 2 मिनट और लगेंगे, सेवैयाँ अच्छे से गल जाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से चला लीजिए। और आप चाहें, आपको समझ नहीं पड़ रही है कि प्रॉपर कुक हुई या नहीं हुई है, तो आप हल्का सा इस तरह से उठाइए और एक पीस को इस तरह से दोनों फिंगर्स के बीच में चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। जितनी मैंने सेवैयाँ ली थी उतनी मैं शक्कर ले रही हूँ। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी कम कर लीजिए। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, एक बार शक्कर को चला लेंगे ताकि अच्छे से ये अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। बस अच्छे से चलाना है 2 मिनट के लिए। और अगर आपके पास केसर है तो आप चाहें तो 8-10 धागे केसर को दूध, गर्म दूध के अंदर भिगा के रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हमें क्विक रेसिपी बनानी थी, इस वजह से मैंने वो केसर वाला सिस्टम नहीं किया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन कलर जो होता है, लेमन येलो कलर, वो ऐड किया है इसमें, ताकि इसका जो केसर वाला कलर होता ना, वो कलर इसमें आ जाए। बस इसको 1 मिनट के लिए और इसी तरह से चलाएंगे, हल्की सी ये गाढ़ी हो जाएगी, बस ज़्यादा देर नहीं लगती, मुश्किल से 10-12 मिनट लगेंगे और ये बन जाएगी, और बहुत ही टेस्टी होती है ये। एक बार आप ज़रूर से इसे ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस जैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर रहे हैं, तो इसका भी शेयर ज़रूर करना। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, तो और मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आऊँ। तो बस ये अच्छे से शक्कर मेल्ट हो गई है और थिक हो गई है हमारी जो सेवैयाँ की खीर है, तो बस इसको इसमें ड्राई फ्रूट मिला देना है, 1 मिनट और चलाना है ड्राई फ्रूट के साथ में, और उसके बाद में आपको इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड करना है। इलायची अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चाहें तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं। बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है, और अगर आप एक बार इसे खा लेंगे ना, तो मावे की मिठाई भी भूल जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि एक बार आप, जैसे कि आपने सूजी का हलवा ट्राई किया और अब कमेंट कर रहे हो, उसी तरीके से ये जो क्विक रेसिपी है इसको भी ज़रूर ट्राई करो, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर से करती हूँ। हो सकता है किसी का लेट हो, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज, मेरे बनाने का तरीका जो भी अच्छा लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ, मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, रोज़ मेरी डेली अपडेट देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।